I say get out! और सुनो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मीता के नजदीक भी देखा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नमस्ते जी। ये वही कमीना था जिसने मेरी फैक्ट्री में मेरे वर्कों के सामने मेरी बेइज्जती की। तुम लोग चाहते हो तो मैं इसकी शादी मीरा से कर दूं? तुम बड़े भैया से बहुत नाराज हो ना? इसमें नाराज होने की क्या बात है? उन्होंने कोई अनोखी बात तो की नहीं। उनकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही करता है। मैंने तो बुरा माना नहीं उनकी बात, मगर उन्होंने तो धमकी दी थी कि वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। कोई नहीं मारेगा मुझे, तू फिक्र मत कर। तू बस एक काम कर, तू मेरा एक साल तक इंतजार कर और तू देख एक साल में मैं उनकी नजरों में कितना उभरता हूं। अभी तू बस घर जा। तो मुझे यहां से ले क्यों नहीं जाते? कहना बहुत आसान है मीता, लेकिन मैं जानता हूं जिस तरह मैं अपनी माँ और कमला के बिना जिंदा नहीं रह सकता ना, उस तरह तू भी थोड़े दिन में अपने लोगों के लिए तरसेगी। नहीं, नहीं। तू मुझ पर भरोसा रख, अपने केवल पर भरोसा रखना। मैं तुझे कुछ ही दिनों में वहां से बिहार के ले जाऊंगा। बस अभी तू घर जा। तू घर से चोरी छुपी आई है ना? हाँ। पगली, कहीं किसी ने देख लिया होता ना तो कितनी मुसीबत खड़ी जाती। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती केवल, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं ले जाते? मैं घबराती क्यों है? मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा केवल। ये जो तुम्हारे और मेरे दरमियान बड़े भैया ने दीवार खड़ी की है, इसका गिराना बहुत मुश्किल है। फिकर मत कर। देख, कुछ दिन की बात, तो थोड़ा सा इंतजार कर। मैं अभी फीस जमा करा के आती हूँ, तुम यहाँ ही रहना, तुम जाना मत। मीता से केवल की दोस्ती की वजह से केवल से किसी लड़के को दुश्मनी तो नहीं हो गई थी? नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। मीता और केवल की दोस्ती का पता तो सिर्फ गुरशरण को था, और गुरशरण तो केवल का पक्का दोस्त था। मीता और केवल की दोस्ती का मीता के घर वालों को पता था? खुद मीता ने तो अपने घर वालों को बताया था, और मीता के कहने पे ही मीता के भाइयों ने उसे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, मगर बात उल्टी हो गई। क्यों? मीता की बड़ी भाभी और उसके छोटे भाई ने तो केवल का खूब स्वागत किया, मगर उसका बड़ा भाई कुमार केवल को देखते ही आग बबूला हो गया, उसकी बेइज्जती तक कर दी और मार डालने की धमकी भी दी। जनाब जी, ये ही लोग मेरे केवल के कातिल हैं। अमीर आदमी समझ के इनको छोड़ मत देना, वरना वरना मैं यहां धरना दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, किस कत्ल की बात कर रहे हैं आप? आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक लड़का केवल शहर से गांव जा रहा था, उसका रास्ते में कत्ल हो गया। कब की बात है? ज्यादा चलाक मत बन, अच्छा ज्यादा चलाक मत बन। जो हम अपनी ओछी हरकतों पे आ गए ना, तो सब पता लग जाएगा। ऑनर साहब, आकाश। इंस्पेक्टर साहब, बात असल यह है कि उस बारे में हमने पढ़ा भी था और हमें अफसोस भी हुआ था। ये तो कह रहा था, कब की बात है, क्यों? अजी जनाब, आप पुलिस वालों की वर्दियां देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, फिर ये तो अभी बच्चा है। बात दरअसल यह है कि उसके साथ हम अपनी बहन का रिश्ता करने जा रहे थे। लेकिन हमने तो सुना है कि आपने उसको कत्ल करने की धमकी दी थी। कॉस्टगर इंस्पेक्टर साहब, आप भी सच कह रहे हैं और हम भी सच कह रहे हैं। लड़कियां तो सबकी सांझी होती हैं,
कितना ख्याल रखिएगा। अब जब वो जिंदा ही नहीं रहा तो हम नहीं चाहते कि बात बाहर निकले, लेकिन जब वो मेरे घर पे आया था तब तो मुझे बहुत बुरा लगा था। क्यों, क्या आपस में झगड़ा था? झगड़ा? कैसा झगड़ा? जो आपने उसे मरवाने या मार देने की धमकी दी थी। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सच क्यों नहीं बोलता तुम? क्यों नहीं बोलता सच? तो औला साहब प्लीज बस कर दो। इंस्पेक्टर साहब, बात असल ये है कि हमारे मैनेजर ने कुछ हिस्सा पहले गुलशरण और केवल को दिहाड़ी पे मजदूर रख लिया, और ऐसी भर्तियां हमारी फैक्ट्री में आम होती रहती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। कुछ दिनों के बाद फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, इसी बात को लेकर हमारे मैनेजर और गुलशरण में फूट में गुलशरण तो वहां से चला गया, लेकिन जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो केवल ने हमारे सभी वर्कर के सामने मेरी मस्ती कर दी। साहब आपके मिल में काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि गुलाम हो गए आपके। किसी का हक नहीं बनता यहाँ पर कि हमारे साथियों पे हाथ उठा दे, और उन्होंने आज हमारे साथी गुलशन पे हाथ उठाया। और मैं आपको एक बात बता दूं साहब कि जब तक ये उससे माफी नहीं मांगेंगे हम काम पर नहीं आएंगे, ये शर्त है हमारी। नहीं सर, मेरे ख्याल में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर आज हमने उनकी ये शर्त मान ली तो मैं जाने कल क्या क्या मानना पड़ेगा हमें। सर मानने की बात करता है, अभी हथोपाई करिए। अरे जा जा, बच गया तू तो आज, तुझे आप प्लान चलाने का बहुत शौक है ना, बाहर आ, पहले मारेंगे फिर स्ट्राइक कराएंगे यहाँ पे। ये आपके जो मैनेजर ना, ये महेश साहब और कोली बाबू, इन्हें बात करने की तमीज नहीं साहब। आप बोलते क्यों नहीं इनको कुछ? आप तो मालिक है ना, तो मालिक की तरफ बिहेव कीजिए। शर्म क्यों आती है हमसे बात करने में आपको? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ तुम काम पे आई, आते ही यूनियन बना दी। अजी 8 दिन तो बहुत है साहब, हम तो एक दिन भी ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। ना इंसाफी? अपनी हैसियत देखिए तुमने। सेठ जी, हैसियत की बात मत कीजिए आप हमसे। हाँ मेहनत करते हैं, उसके पैसे लेते हैं हम आपसे, कोई एहसान नहीं करते आप हम पर। और एक बात और बता दूं आपको, आपकी ये ऊंची हैसियत बनी हुई है ना, और ये शान शौकत, अगर हम लोग काम ना करें ना तो यही की यही धरी रह जाएगी। कोली, इसको धक्के मार के अभी बाहर निकल। अरे धक्के देने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, हाथ नहीं लगाओ हमको। तो केवल ने हमारे सभी वर्करों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो आपने धमकी दी ना? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी वारदातें तो अक्सर होती रहती है और हम धमकियां भी देते रहते हैं। अगर हम कत्ल करने चले तो चल लिया काम, हमने तो सिर्फ इतना किया कि उन दोनों का हिसाब कर दिया और वो चले गए। फिर उसके बाद? मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? नमस्ते केशवराम जी। अरे विकास जी, आप पापा ने कहा फोन करना। विकास क्या हाल है? हेलो राम सिंह, आप यहाँ कैसे? ये मेरे बड़े भाई साहब लगते हैं। आप इनको यहाँ क्यों ले? वो ऐसा था कि कत्ल के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने के लिए इनको बुलाया हुआ था। कृपाल सिंह को इन पे शंका थी, इसलिए इनको तकलीफ दी थी। तो माल को तो बुला ही नहीं रहे सी। एना ने स्यापा बात था। फिर इनको ले जाए। ले जाओ जी, सदके ले जाओ, और लोड होगी तो हम दोबारा बुला लेंगे, उसमें क्या बात है, अपने ही घर है जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जनाब, उन दोनों भाइयों को छोड़ दिया, उनको भगवाने की कोशिश ही नहीं की गई। जनाब एक मौत पे आदमी आया, उन दोनों की सिफारिश की और ऐसे छुड़ा के ले गया जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम गरीब आदमी है जनाब, कोई नहीं सुनेगा। जनाब उस बेवा मां की ओर देखो जिसका इकलौता बेटा चला गया। जनाब उस बहन की ओर देखो, मासूम बहन की ओर देखो जनाब, जिसका भाई चला गया, हमारे गांव की नींव चली गई जनाब, हमारा पुत्र चला गया जनाब, हमारा पुत्र चला गया जनाब, कोई सुनना जनाब, तो ख्याल कर लो।
देखिए सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शक के बेसिस पे हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन आप यकीन मानिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी ये कुछ ठीक नहीं है। ये जिस तरह आप पुलिस स्टेशन में जाकर तूफान खड़ा कर देते हैं, इस तरह तो आप पुलिस वालों को अपना दुश्मन बना लेंगे। तो क्या करूं, हाथ जोड़ूं, उनके पांव हाथ लगाऊं? दर्जी ये पुलिस का काम है, उसे करने दीजिए। पुलिस ने अपना फर्ज तो निभाना ही है, अब आपकी मर्जी से तो काम होने से रहा। केस नहीं बिगड़ने दूंगा काका जी, केस नहीं बिगड़ेगा। मैंने गुरुद्वारे में संगत के सामने कसम उठाई है कि केवल के कातिल को पकड़वा के ही दम लूंगा, और दूसरी कसम मैं आज उठाता हूं कि जब तक केवल का कातिल पकड़ा नहीं जाएगा मैं खेतों में हल नहीं चलाऊंगा। दारजी आपने तो किसी की सुननी नहीं, अब बाद में सब कुछ चौपट हो जाए ना तो पछताना मत। जो मेरे वाहेगुरु को मंजूर है। जी मैं कुछ कहूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तेरी बात का तो नहीं। ताया जी मैं एक बार मीता के घर जाना चाहती हूं। नहीं काका, हम उनके घर नहीं जाएंगे। ताया जी, काका जी वो मेरे केवल के कातिल हो सकते हैं, नहीं जाएंगे हम। ताया जी मैं उसके भाइयों से नहीं मीता से मिलना चाहती हूँ। कल उनके भाइयों को कितना फटकारा है उन्हें, कितना फटकारा है, और अब हम उनके घर जाएंगे तो वो हमारी बेइज्जती करेंगे, हो सकता है हाथापाई हो जाए। नहीं जा। ताया जी मीता केवल से बहुत प्यार करती है, अब भी जिद ना कर। कमला दारजी ठीक कह रहे हैं, हमारा उनके घर जाना ठीक नहीं लगता। ताया जी फिर पता नहीं मीता से मुलाकात हो ना हो। अच्छा चलेंगे। काका जी देव जी आप भी चलोगे हमारे साथ? नहीं दारजी मैं दुकान जाऊंगा। चलो। प्रेम ये तूने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या बात है, घबराता क्यों है? घबराने की कोई चिंता नहीं, मैंने आईजी से बात कर ली है, कहे तो आज कृपाल सिंह को अंदर करा दूं। पापा जी मैं फैक्ट्री जाऊं। हाँ जाओ। हाँ ताया जी यही घर है। कुमार साहब का यही घर है? हाँ जी। कुमार साहब घर पे हैं? हाँ जी। आपका नाम? उनसे कहिए सरदार कृपाल सिंह जी आए। सुनो
हाँ जी। मीता है घर पे? हाँ जी। उसे कहना कोई मिलने आया है। अच्छा जी। बेटा जी, तुम यहाँ ले तो आए हो, अगर इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी तो? ताया जी, ये उनका कर्म है। पापा जी, आप नाश्ता कर लो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाना। गौरी देव ना, क्यों नहीं करेगा? साहब, सरदार कृपाल सिंह जी आए। बिठाओगे, खिलाओगे, गले लगाओगे, अब मेरा यहाँ क्या काम? मैं तो चलता हूँ। अब घर आए मेहमान को थोड़ा बाहर घर से थोड़ा निकाल देते हैं। नहीं, उसको गले लगाओ, मैं चलता हूँ। चाचा जी, चाय तो पीते जाइए। सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल काका जी। आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आओ आओ कमला। आओ ताया जी। कमला है। अमृता, बैठो कमला। अमृत ताया जी, आओ ना। सत श्री अकाल जी। बैठो ताया जी। अच्छा हुआ तो आ गई, और ताया जी को भी साथ ले आई, उनके भी दर्शन हो गए। गांव कब जा रहे हो? तुम्हारे घर में माँ का मंदिर है? हाँ कमला। मैं दर्शन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ कमला। के दरबार में पता है क्यों लाई हूँ? क्यों कमला? मैं तुम्हारे से कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम मांग तो कमला। दोगी? मीता, आज तुम माँ के दरबार में कसम खाओ कि तुम आज के बाद केवल को कभी याद नहीं करोगे। कमला, मुझे पता है मीता, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कसम खाओ, तुम आज के बाद केवल को याद नहीं करोगी। नहीं करोगी ना?
शिमला, हम दो भाई हैं मगर बहन हमारी सिर्फ एक है। क्या हम तुम्हें बहन कह सकते हैं? सरदार कृपाल सिंह जी, हमारे बीच में कोई भी गलत फहमी रही हो, उम्मीद है उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। भगवान शायद यही चाहता है कि हमारे संबंध बने, इसलिए आज मैं आपसे एक हक मांगता हूं। कमला की शादी हम करेंगे। भगवान मेरे ताया जी की उम्र लंबी करे, पर इस बात की चिंता आप ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया काका जी, तुम कमला के भाई हो पर मैं उसका बाप हूं। उसे डोली में डाल के भेजने का हक मेरा है ना? हाँ, तुम लोग आना जरूर है? सत श्री अकाल भैया जी, आप कभी कभी आते रहा करो। हाँ बच्चों, केवल को मालूम था कि उसकी मौत करीब है। कमला का क्या होगा मिस्टर आलूवालिया, मुझे तो यही फिक्र है। वो अपना मन मुझे बता गया था। देखो भाई, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, अब मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। Yeah.
मेरी मा...